मेरा नाम जाहिद अब्दुल्ला है और सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे एक दो चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा था इसी थीम के ऊपर जो सुल्तान शाह साहब ने और रूम शरीफ ने कहा है। एक तो जो शाह साहब ने कहा है कि अब नौकरियों के चक्कर में क्लाइंट जो है चौकीदार भी लग जाते हैं, तो मैं भी राकेश पी एफ भी जो है ना एक क्लाइंट चौकीदारी कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग रखी है डिजिटल जो है। खैर ये तो मजाक की बात ही, लेकिन मेरे ख्याल में जो क्लाइंट होती है बाकी सारी बातें हुई हैं सिद्दीकी साहब ने जैसे सोशल मीडिया के हवाले से बात की और भी जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसके हवाले से गैप है हमारे यहाँ, क्योंकि उसकी बहुत सख्त जरूरत है। हमारी हम जो भी कहें द फैक्ट रिमेंस के हमारा बेस्ट न्यूज पर एनवायरमेंट जो है बहुत इनएक्सेसिबल है। वहाँ पर क्लाइंटों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत चलते फिरते हैं क्योंकि उनकी फुटपाथ उनकी चीज़ें जो है वो बहुत एक्सेसिबल है। जब भी मुझे भी इतफाक हुआ है तो वहाँ पे इस तरह का प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वहाँ से वॉक करना जो है उसका तलक आपके स्टैमिना से होता है, बिल्ट इन्वायरमेंट से नहीं होता। आप इतनी स्पीड से चलना चाहें चल सकते हैं उनके पास, तो इस वजह से उधर रिलेटिवली उनकी बेहतर होती है। हमारे यहाँ क्योंकि नहीं होती हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है, तो उसमें जब मैंने कुछ साल डेढ़ साल पहले जब मैंने फील किया कि आई नीड टू स्टे फिट, तो उसके ऊपर दो चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, वो मैं वेबसाइट का नाम बाद में शायद लोगों को बता दूँ। एक योगा फॉर लाइन थी और एक और थी। तो अब वो वर्कआउट पर जो धर्मशी बात कर रही वो डिज़ाइन ही कोर्सेज जो उन्होंने किए हुए हैं वो बीच पेड के लिए किए हुए हैं। तो अगर उनको राबिन आप और ताहिर जो है अभी ये अडाप्ट कर लें वहाँ से लेकर उनको हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो कर लें, तो दैट वुड बी वेरी यूजफुल। ख़ास तौर पर जो योगा है, अब योगा क्यों ज़रूरी है दो हवालों से। एक और मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ब्लाइंड के बारे से कि चूँकि हमारा आई एफ एम बहुत वर्ल्ड मतलब साइटेड की राउंड फर्स्ट 30 ईयर्स और पिछले 12-14 साल से साइट लॉस है कम्प्लीट, तो उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस होता है कि जब विजुअल डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो वी आर लेफ्ट ओनली विद आवर ओन थॉट्स। हमारा थॉट प्रोसेस जो है जब सोते दिन चलता रहता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी रहता है और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसके लिए यह है कि योगा है वो एक मैट के ऊपर होता है और इट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइजर, क्योंकि आप कोई भी जितना अच्छा योगा कर सकता है आप ब्लाइंड उतने कर सकते हैं, क्योंकि साल जैसे जायनमाज है इसी तरह की एक चीज़ चाहिए ना आपको करने के लिए, तो वो जो उसकी एक्सरसाइजेज है वो दो लेवल पे बहुत इफेक्टिव है हमारे हम ब्लाइंड लोगों के लिए। एक तो वो आपके माइंड को स्टिल करना सिखाता है कि आपने कैसे अपने आप को माइंड को स्टिल करना, क्योंकि मेंटल वेलबींग जो है वो बड़ी ज़रूरी है ख़ासतौर पर हम ब्लाइंड लोगों के लिए। तो एक तो ये कि वो योगा की मैंने वहाँ पर की थी, बेसिक लेवल के ऊपर भी है और एडवांस लेवल पे भी, और हर ब्लाइंड पीपल उन्होंने बगैर तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसको आप उन्हीं को मैं शेयर भी कर दूँगा, आप लोग उसको उर्दू में करके ज़रा वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो हो जाए वो आई थिंक बहुत यूजफुल होगी। और इस तरह फिर आगे जो हार्ट किस्म की वर्क आउट है जिसकी हम बात कर रही थी तो वो भी अवेलेबल है ब्लाइंड लोगों के हवाले से बनाई है। तो ये था और मतलब जो ट्रेनिंग की बात है और जो पीएफएफपी का कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इट इज अनमैच्ड जिस तरह का कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी ने दिया है। 97 में मैंने इस्तेमाल किया था जहाज, जब उस वक्त हार्डली एक दो लोग थे, हम आकिल था एक शादी हसन थी कराची में। तो अब ब्लाइंड लोगों के अंदर बड़ी रिजिलियंस होती है, वो सीख लेते हैं। और उसमें जो 97-8 में हमने मैंने और सायमा ने एक किताब एक किस्से के ऊपर बड़ी बेसिक की ट्रेनिंग की थी कि हाउ टू यूज जार्स जो है, कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करना, फिर उसके साथ ईमेल को देखना, इंटरनेट को देखना,
ये मतलब चार पांच आइटम जो थे हमने उसको किया। अच्छा हमें पता नहीं चलता कि बाल का छोटा सा कसर होता है, अब वो केसेट जो थी वही उस वक्त मोड था, केसेट के लिए से कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए से वो भेजी जाती थी, और वो उसने उसने कई लोगों को सिखाया पाकिस्तान में जो गाइड हो उस वक्त जो थे। और बाद में मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि पाँच सात सालों के बाद एक किसी गांव से आफिस जायद नाम उन्होंने भेजाया था, उन्होंने कहा जी कि मैंने वो एक कैसेट सुनी थी पी एफ डी की, तो उससे मुझे जब कंप्यूटर आ गया इस्तेमाल करना, तो मुझे लोग दूर दूर से डिफरेंट विलेजेस से गांव से उन्होंने कहा कि आते हैं कि जी ये आफिस आप हैं जो कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसने कंप्यूटर व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे ना, तो उसने स्काइप के जरिए से उसको जॉब भी मिल गई, इनके कुरान वो वहाँ से कनेक्ट करके कंप्यूटर के जरिए से वो कर लेता था। तो ये मतलब पी एफ बी का जो कंट्रीब्यूशन है, जाहिर है इसकी टेक्नोलॉजी की चेंज हो रही है, इसकी डिमांड बदलती जा रही है, और जिसमें दोस्त भी यहाँ पे आप डिमांड्स रेज कर रहे हैं आपके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे आइडिया दे रहे हैं, तो आई बिलीव की जो फिजिकल साइड है वो भी करनी चाहिए। तो सब लोगों को फिर एक मतलब बहुत सलाम और थैंक यू।